आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेटिंग के अंदर क्या ट्रिक्स है? देखिए, जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग ही तय करता है कि रिपोर्ट कितना अट्रैक्टिव होगा, कितना यूजफुल होगा, कितना समझ में आएगा। ओके, सो फॉर्मेटिंग जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फॉर्मेटिंग को कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि बिना फॉर्मेटिंग के कोई रिपोर्ट बन सकती है। अगर आप बात करें बड़े बड़े रिपोर्ट्स, अगर टेम्पलेट में ही जाए आप, तो टेम्पलेट में आप जब न्यू पे जाते हैं तो ये इतने सारे रिपोर्ट दिख रहे हैं ना सर, फॉर्मूला वगैरह तो बाद में लगाया गया, मेन तो इसकी फॉर्मेटिंग है ना, देख रहे हैं सर, इसकी जो है मेन फॉर्मेटिंग है ना, ऐसे फॉर्मेट किया गया है। तो फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेटिंग होता है क्या, वही ऊपर जो कलर करना, बोल्ड करना, बॉर्डर लगाना, बोल्ड इटैलिक वगैरह करना, यही होता है। लेकिन इसमें ट्रिक्स, मतलब कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स होते हैं जो जनरली हर किसी को पता नहीं होता है। आज हम उसी चीज पे डिस्कस करेंगे। ओके हम यहाँ पे टेंथ लिखते हैं और स्पेस देते हैं तो TH ऊपर चला जाता है, नहीं गया। एक ऊपर कब चला जाता है, जब इसको आप MS वर्ड में टाइप करते हैं, नॉर्मल एक्सेल में नहीं। तो नॉर्मल एक्सेल में कैसे होगा, तो उसके लिए आप इसको डबल क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसको आप कर दीजिए सुपर स्क्रिप्ट, राइट, और स्क्रिप्ट प्रेस कीजिए, आ गया। ऐसे मान लीजिए मुझे 10 डिग्री लिखना है, तो 10 और स्मॉल में ओ लिख दीजिए, फिर डबल क्लिक कीजिए, अब इस ओ को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल एंड सुपर स्केल। देखिए, ये तो छोटी सी है, ये तो नॉर्मल है, कोई इसको कोई पता कर सकता है। इसमें ट्रिक्स की बात आती है कि जब मेरे पास ऐसे पूरा कॉलम का डेटा है और अब मुझे इसके ऊपर डिग्री लगानी है, तो क्या है कि आप ऐसा नहीं कि वो लिखते चले जाएं और फिर डिग्री लगा दें, नहीं, वो इसमें वो टाइप करना होगा या कंबाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसके ऊपर एक एक पे क्लिक करके देन आपको सुपर स्किप करना होगा, ये तो काफी लंबी जॉब होगी ना सर। उस केस में हम इसके बगल में ओ को लिखते हैं, स्मॉल ओ, और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं लेफ्ट अप कर देता हूं, राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट सेल, और इसको सुपर स्किप कर देता हूं, चीज को बहुत छोटा करता हूं कॉलम को, और इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, हम बॉर्डर में चले जाते हैं और हम सब बॉर्डर डालेंगे, जो बीच वाला ये जो बॉर्डर होता है ना, ये बॉर्डर नहीं डालेंगे, और हम फिर वापस इसकी बैकग्राउंड को वाइट कर देते हैं। बिल्कुल लग रहा है ना सर, अब तो ट्रिक सही होता है सर। तो ये हम जो काम बहुत ज्यादा लेंदी था, नहीं हो सकता था, ऐसे काम को हमने बड़ी इजी तरीके से कर दिया, इसी को हम फॉर्मेटिंग ट्रिक्स कहते हैं। ओके ओके, आगे बढ़ते। ऐसे मान लीजिए आपको 10 स्क्वायर लिखना हो, तो 102 लिखते हैं और 2 को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट, सॉरी, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और यहाँ पे आपको सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी, सॉरी गलत हो गया, हमें सुपर स्क्रिप्ट करना था, हमने स्टिक थ्रू कर दिया, सुपर स्क्रिप्ट करते हैं, तो ये आपको अभी तो दिख रहा है लेकिन जैसे एंटर प्रेस करेंगे वापस नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि नंबर के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट अप्लीकेबल नहीं होता है, नंबर के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। उस केस में आप यहां पे
102 लिखें। इस पे सिलेक्ट करें राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इसमें हम कर देते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो टेक्स्ट पे ही ये एप्लीकेबल होता है, नंबर पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके ठीक है, क्लियर है कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमने सुपर स्क्रिप्ट कर लिया है, इसमें एक सब स्क्रिप्ट भी होता है। जैसे कि मुझे H2O करना है तो आप टू को सॉरी यहाँ पे करना है और टू को मुझे नीचे लाना है तो राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहां पे हम कर देते हैं सबस्क्रिप्ट। आगे बढ़े इसमें। राइट सर। अब अगला आता है, जैसे कि अगर किसी ने आपको कोई टेक्स्ट दिया हुआ, जैसे मैं कोई बड़ा सा टेक्स्ट हम यहां से ओपन करते हैं मेल पे, ठीक जिसे हमने इसी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मुझे एक सेल पे लिखना है। एक सेल पे लिखेंगे तो सही तरीके से नहीं आ रहा है ना, तो हम इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज कर दिए, अब मर्ज में जब टाइप करेंगे तो डबल क्लिक करके आपको पेस्ट करना होगा। टाइप कर सकते हैं बट पेस्ट के लिए डबल क्लिक कर लीजिए। यहां पे इसको आप रैप, कभी कभी इस तरह से आएगा तब इसको आप रैप कर लीजिएगा। यहां से आप मिडल कर सकते हैं और बड़ा छोटा तो आप ये तो करना जानते ही हैं। अब देखिए, जैसे इसमें एनीवन है, एनीवन गलत लिखा हुआ है तो जिसने लिखा है उसको मुझे वापस लिखना है कि भाई एक गलत है। कैसे बताया, अगर फोन पे बताएंगे तो कंफ्यूजन होगी ना सर। क्या है कि आप सबसे पहले तो इसकी कलर रेड कर दीजिए और फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे स्ट्रिक थ्रू एक ऑप्शन होता है उसको यूज कीजिए, तो बीचे बीचे काट देगा। इससे नॉर्मली हम पेन से काटते हैं। ठीक है, बट ये जो अप्लीकेबल है वो तो सिर्फ अप्लीकेबल इस पैराग्राफ पे होता है। अगर आपने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, अब नंबर्स को अगर आपके पास लिस्ट आता है नंबर्स का, तो मैं एक ही लाइन ऐसे, हो सकता है कि आपके पास 8-10 लाइन हो, तो जब लिस्ट आता है नंबर का तो उस समय कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम जो है नॉर्मली जब अगर प्रिंट आउट आपके पास होता है तो आप पेंसिल लेते हैं या पेन लेते हैं, यहां से इस तरह से काट लेते हैं। राइट लेकिन एक्सेल में तो ऐसा नहीं कर सकते, ये तो जूम का जो पार्ट है इसे काट देते हैं। एक्सेल में कैसे करें? तो क्या हम एक्सेल में ये आपका जो आता है स्ट्रिक थ्रू यूज करें? बट स्ट्रिक थ्रू जो है उतना कारगर नहीं होगा, वो दिखेगा ही नहीं। उस केस में हम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और यहां बॉर्डर पे आइए। बॉर्डर पे आने के बाद आप चाहो तो बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर को चूज कीजिए और ये वाला और इस वाला, पीछे वाले को पॉज हो गया बेटर है सर। और कई जगह करना है तो आप F4 यूज कर सकते हैं। F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। ओके तो टिक का निशान लगाना हो तो कैसे करेंगे?
तो उस केस में हमारे पास आता है ए, और इसको कर लीजिए। ठीक है सर, ओके लेकिन ये सिर्फ विजिबिलिटी के लिए है। आप चाहते हैं कि इसके बिहाफ पे फिल्टर लगा ले, या इसके बिहाफ पे क्या बोलते हैं, इसके बिहाफ पे फिल्टर लगा ले, कंडीशन लगा ले, वो चीज नहीं लगा सकते, क्योंकि फॉर्मूला कभी भी फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करता है। ओके तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं फॉर्मूला या फिल्टर लगा सकूं। तो यहां मैं कैप्स में पी को लिख रहा हूं, और पी के ऊपर हम जो है एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू या बेडिंग टू करके आता है, हाँ यार, उसको अप्लाई कर। तो क्या करता है कि पी को इस तरह का टिक के निशान में कन्वर्ट कर देता है, एंड ओ कैप्स में अगर ओ लिखते हैं तो उसको क्रॉस कर देता है। विजुअल हो रहा है इस तरह का सिंबल, बट एक्चुअल में आप देखेंगे ऊपर तो ओ है और पी है ना सर, इसके आप ओ पी का फिल्टर भी लगा सकते हैं और कंडीशन भी लगा सकते हैं। यहां देखिए, फिल्टर आइएगा तो यहां पे आपके सामने दिख गया ना ओ एंड पी, पी चाहिए तो पी वाला दिखेगा सर। लेकिन ये जो फॉन्ट होता है एक्सेल में, जो फॉन्ट होता है पार्ट ऑफ द विंडोज, वो विंडोज का पार्ट होता है, वो एक्सेल का पार्ट नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता है जो विंडो का आपके पास जो विंडो है उस विंडो में एफ एफ हो ही ना। ठीक है सर, उस विंडोज के अंदर में ये फॉन्ट अवेलेबल ही ना हो, या हो तो क्रप्ट हो गया हो, तो कुछ भी हो सकता है। इन शॉर्ट मान लीजिए ये फॉन्ट आपके पास नहीं है, तब एक तरीका है, मैं कैप्स में जे को लिखूंगा और इसको यहाँ अलाइन होता है, अलाइनमेंट होता है कि इसको मूव कर सकते हैं, इसको -45 डिग्री के एंगल पे मूव कर दीजिए सर, और क्रॉस तो है ही ना, एक्स तो है ही। राइट इस पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये जो एंगल चेंज करने का काम सिर्फ इसी में होता है, कहीं और भी होता है? कहीं और भी होता है, जैसे मैं यहां पे नेम ले लिया, यहां इन से करता हूं, मैं एक अटेंडेंस शीट बना रहा हूं मान लीजिए, और मैं यहां पे 1 जनवरी का डालता हूं, और यहां पे अच्छी तरह से कर दिया, ठीक देखिए इसमें इसको अब एक पेज पे प्रिंट करना है। क्या लग रहा है, एक पेज पे प्रिंट होगा सर? तो इतना बड़ा तो नहीं होगा सर। आप देखिए बड़ा क्यों है, सिर्फ हेडिंग की वजह से ना, डेटा तो छोटा ही है ना। अब मैं जितना भी छोटा करूं तो विजुअल ही नहीं होगा ना सर। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे, और पूरे सीट को सेलेक्ट किया और किसी भी कॉलम के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा ऑटो फिट। ऑटो फिट हो गया। राइट अब इसको आसानी से कर सकते हैं, अलाइनमेंट का इसी चीज का यूज होता है। अब इसमें चलिए और छोटी छोटी चीजें हैं उसे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप मर्ज वगैरह तो जानते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम पाए बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा, आप लोग कभी भी इंटरनेट फॉर्म भरते होंगे, उसमें क्या होता होगा कि आपके पास चेकबॉक्स दिया होता है, तो जब उस नॉर्मल होता है जैसे उस पर क्लिक करते हैं वो वैल्यू हट जाता है,
क्या जैसे देखिए सर्च मेल दिख रहा है आपको ना सर, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा सर्च मेल आपका ये आ जाएगा सर, जी यहाँ पे दिख रहा है स्प्रिंट, जब क्लिक कर रहा हूँ तो हट जाएगा सर। तो क्या इस तरह की चीज हम एक्सेल में कर सकते हैं कि यहाँ पे एंटर नेम दिखे, जब मैं क्लिक करूं तो नेम हट जाए, फिर तो वापस आऊं तो नेम दिख जाए? हो सकता है हमने नेम यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखता हूं और इस पे क्लिक करके यहां देखिए इंडेंट होता है, जैसे मैं इसमें जाऊंगा लिखूंगा पूजा, ठीक है सर, ओम आज समझ सर आपको कि नहीं? हाँ दिख रहे सर, इस तरह की इननेम्ड का काम भी कर सकते हैं। उसके बाद मर्ज करने के लिए यहाँ पे आप मर्ज कर ही सकते हैं, या यहाँ पे एक मर्ज अक्रॉस होता है जो कि एक एक इस तरह से मर्ज करता है। टैब टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप, मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार, कभी क्या होता है कि एक कॉलम अगर छोटा कर देता हूं मैं तो अगले कॉलम में चला जाता है, कि एक ही कॉलम में आ जाए तो रैप टेक्स्ट करते हैं तो इस तरह से टूट जाता है। मैं चाहता हूं कि जब मैं जहां चाहूं वहां से टूटे, तो इधर स्पेस के बिहाफ पे टूटा है, तो टाइप करते समय आप ऑल्ट एंटर प्रेस कर ले, ऑल्ट एंटर शॉर्टकट होता है रैप टेक्स्ट का, टाइप करते समय जहां से ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे कर्सर वहीं से नीचे आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम ना ही रो बड़ा करना चाहते हैं ना ही कॉलम बड़ा करना चाहते, चाहते हैं कि जितना बड़ा मेरा डेटा है उसी में मेरा कॉलम फिक्स हो जाए, सेल फिक्स हो जाए। उस केस में हम फॉर्मेट सेट के अलाइनमेंट में आते हैं और अलाइनमेंट में हमारे पास होता है श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट पे क्लिक करके ओके करते हैं, श्रिंक हो जाता है। जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा बड़ा हो जाएगा, छोटा करूंगा छोटा हो जाएगा। श्रिंक टू ओके, ठीक है राइट सर। ये थी हमारी आज की फॉर्मेटिंग डिटेल्स। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा नंबर फॉर्मेट का। तो नंबर फॉर्मेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट होने के पीछे रीजन ये है क्योंकि इसका यूज हम अपने ऑफिशियल लाइफ में काफी ज्यादा करते हैं। ठीक है, इसका यूज काफी ज्यादा करते हैं, तो वहां पे एक छोटी सी दिक्कत हो जाती है कि नंबर फॉर्मेट के बारे में अगर जितना ज्यादा आप जानते हैं आप अपने डेटा को और अच्छे ढंग से फॉर्मेट कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग में खास कस्टम फॉर्मेटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम आपको कल की क्लास में कराएंगे। तब तक अभी जो है आप बाकी जो फॉर्मेटिंग हमने बताई हो सारे फॉर्मेटिंग को अपने हिसाब से देख लीजिए, कोई इसमें बहुत सारी चीज मैंने छोड़ दिया है, छोटी मोटी चीजें थी इसलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि वो चीजें भी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए नहीं, अगर है तो हम कल क्लास में कर लेंगे। अपने छोड़ क्या दिया आपने, जैसे कि अलाइनमेंट में बाकी सब चीज तो है सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉन्ट में भी नॉर्मल चीजें हैं, बॉर्डर मैंने बताया ही आपको, फिल के अंदर में यहाँ पे पैटर्न फिल होता है, यहाँ पे ग्रीन फिल होता है, फिल इफेक्ट है, मोर कलर है, ये सब चीजें नहीं बताई कि जरूरत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिए, फिर हम कल जो है बाकी चीजों पर